हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ई रिक्शा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक वीडियो वॉशिंग मशीन के ऊपर मैं अपलोड कर रहा हूँ। हो सकता है आपके इसके ऊपर कुछ काम आए या इससे कुछ नॉलेज मिले। ये देखिए, मैं यहाँ पे कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का। ये एक नॉर्मली मैं आप लोगों को इस पर जानकारी दे रहा हूँ, ताकि इस पर आपको कोई चीजें, मतलब कि कभी आपका पानी वजह से इसमें दिक्कत, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी ड्रेन पाइप है। ये नया वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल ही न्यू वॉशिंग मशीन है अभी कंपनी यहाँ पे। इसमें क्या है कि 1 से 2 बार कपड़े धोए हुए हैं, लेकिन जिनका यह है भाई साहब को अभी पता नहीं था कि कपड़े वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से पहले जेब में से सिक्का भी निकालना पड़ता है। इसका क्या है, ड्रेन पाइप में से जो आउटफ्लोर वाला पाइप है जो, तो उसमें क्या है, पानी जैसे कि हम भरते हैं तो पानी रुकता ही नहीं है, पानी तुरंत ही बाहर निकल जाता है। अब वो क्या है, काफी दिनों से ऐसे ही सूखे धो रहे हैं, तो 1-2 बार 2-3 दिन हुए आए हुए, लेकिन वो मतलब उनको काफी दिन से परेशान हो रहे हैं 2-3 दिनों से वो। तो आज वो आए थे हमारे पास, तो हमने बोला चलिए इसके ऊपर वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए, ताकि आपके ऊपर इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए फटाफट, और 5 मिनट की वीडियो अपलोड करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि काफी लंबा हो जाता है। फिलहाल इसका मेरा काम नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ ई रिक्शे का कोर्स कराता हूँ। ई रिक्शे का अगर कोर्स आपको करना है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 8931300172। और एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ई रिक्शे का कोर्स में मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, यूटीएल चार्जर, एक्जूम चार्जर, वायरिंग, डीसी कन्वर्टर, ये टोटली कंप्लीट कराता हूं मैं। तो चलिए वॉशिंग मशीन के पास फटाफट और शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, मैं अंदर का कुछ इसका दिखा दूं, इस प्रकार का इंटरफेस है इसका। यहाँ पे जब पानी डालते हैं तो ये पानी रुकता नहीं है, बाहर निकल जाता है। ये देखिए, ये कपड़े धोने के लिए और ये सुखाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से अभी बिल्कुल ही न्यू है, ये देखिए, ठीक है। अब चलिए, इसका ऐसा है, ड्रेन पाइप का जो है पीछे चलते हैं इसका। ये पीछे देखिए, इसमें एक कवर होता है, देखिए ये पीछे यहाँ पे एक कवर होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये कवर होता है इस साइड से, देखिए। और ये देखिए, यहाँ पे पेच लगा होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्रू ड्राइवर से बस आपको पेच ओपन ही इजिली ओपन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही इजिली आसानी से ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ और एक हाथ से खोल रहा हूँ, तो इस कारण से थोड़ा वीडियो हिल भी रहा होगा, माफी चाहता हूँ इसके लिए। इसको इजिली पकड़ के ऐसे खींच लेना है। और देखिए देखिए ये इसका, देखिए यहाँ पे जो है, देखिए इजिली बिल्कुल साफ दिख रहा है अच्छे से। ये देखिए, इसमें 2 ये मोटर लगे होते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इसका जो है ड्रेन पाइप का जो पानी है ये नहीं रुक रहा है, देखिए जो पानी इसमें रुकना चाहिए। देखिए, इसका एक यहाँ पे वाल लगा होता है, देखिए ये वाल है, इसके अंदर क्या है, एक्चुअली जब भी हम कपड़े धोते हैं तो इसमें क्या है, जो पैंट जींस की पैंटों में या कोई भी लोवर में सिक्के होते हैं, तो इस पाइप से यहाँ होके यहाँ पे आके फंस जाता है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें सिक्का है या कोई और चीज है या इसका रबड़ कटा हुआ। रबड़ तो कटने की पॉसिबिल ही नहीं है क्योंकि अच्छी कंपनी है, देखिए इसको आराम से खोल लेंगे और आराम से खोलेंगे, क्योंकि ये झटके से कई बार बाहर आता है, पता लगे जब मुंह पे ही लग जाए आपके, तो इजिली आराम से देखेंगे इसको। और इसको ओपन करता हूँ, देखिए ये देखिए, ये इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस होता है, और इसको इजिली निकाल लेंगे। देखिए, अंदर से रबड़ गोल होता है नीचे से, देखिए, और यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे सिक्का फंसा हुआ, और पतले स्क्रू ड्राइवर से इसको निकाल लेंगे। देखिए ये है, अगर इसको नीचे निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे गिर जाए तो भी इजिली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे तो पैसा निकल ही जाएगा। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोक लूँ इसको, नीचे चला गया कोई बात नहीं है। देखिए एक और है, देखिए इसमें 2-2 है, देखिए ठीक है। अब इसमें ये देखिए, इसमें 6 रुपए का लमसम है। अब क्या करेंगे, देखिए वॉशिंग मशीन को क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, थोड़ा भैया टेढ़ा कीजिए। अब इसको देखिए, यहाँ पे इसको ड्रेन पाइप है, यहाँ पे देखिए है ना, इस ड्रेन पाइप को, ड्रेन पाइप को आराम से निकाल लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे है, इसमें यहीं से अगर ये ड्रेन पाइप यहाँ से निकलता है, ये देखिए ये ड्रेन पाइप है, देखिए अब इसमें से ऐसा है, यहाँ से करते हुए धीरे से ऐसे करके, और ये देखिए इसमें 6 रुपए बड़ा हुआ, देखिए और लग रहा है कब का इसमें जंगाल जैसा लगा हुआ है, देखिए है ना, बस इजिली बस इतना, इसमें इतना ही काम होता है। और इसको देखिए, ड्रेन पाइप को वापस इसको माउंट कर देना है वापस इसमें, देखिए ठीक है, ये ड्रेन पाइप को माउंट कर देना है। और इसमें देखिए, कभी थोड़ा कचड़ा हो इसको हम साफ कर देंगे हल्का सा,
और ये देखिए ये रबड़ है इसका, इसको देखिए ये जब कसेंगे तो बिल्कुल ही सीधा करके और इसमें वापस डाल के और इजिली इसको फुल टाइट कर देंगे इसको। बस इसमें इतना ही काम होता है और इसमें कोई ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसको देखिए ये जो रबड़ घुमा हुआ है, देखिए ये जो रस्सी घुमी हुई है, देखिए यहाँ पे इसको घुमा हुआ नहीं छोड़ना है। अगर इसको आप घुमा हुआ छोड़ते हैं तो ये रस्सी जल्दी टूट जाएगी और दिक्कत करेगा, क्योंकि ये स्लाइडिंग बिल्कुल देखिए यहाँ से फंसा हुआ होता है। इस चीज को हमेशा आपने ध्यान देना है, इसको मतलब कि घुमा हुआ नहीं छोड़ना है। इसको कोशिश करें जो इसको हाथ से घुमा घुमा के हम बिल्कुल ही सीधा कर दें। देखिए अभी ये स्ट्रेट हो गया है और कहेंगे जोड़ा लीवर घुमाइए। देखिए ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग दिखाता हूं मैं। देखिए ये है, ये ऐसे काम करता है, इसको देखिए। हाँ ये देखिए काम कर रहा है, देखिए बस इतने पे ही इसका ड्रेन पाइप जो वो पाइप पानी जमा होता है, इतने से ही ये पानी रुक नहीं रहा था और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।